अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, एज द लास्ट इन द लास्ट पीरियड वी हैव लर्न दैट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वी विल सी ही ओवर हियर। ओके, नाउ फर्स्ट इज इनफॉर्मल। ओके, आई हैव टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज इनफॉर्मल कन्वर्सेशन और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ओके, व्हेन यू कॉल टू अ फ्रेंड और अ रिलेटिव, जब आप बच्चों अपने दोस्तों से या अपने रिलेटिव से बात करते हो, दैट इज कॉल्ड अ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। ओके, नाउ what is formal telephonic conversation? When you call to an office, to your boss, etc., that is called your formal conversation. Okay, now we have seen some examples over here. Now I will give you one more example so you can understand it better. Okay, so now first we will see formal conversation. How can we speak to someone in the office, in your टू योर टीचर्स? ओके, आप ऑफिस में जाके कैसे बात करोगे, कैसे वहाँ पे फॉर्मल रहोगे? ओके, दोनों जगह बच्चों हमारा क्या है, बात करने का तरीका अलग होता है। ओके, सो वी विल सी ओवर हियर। नाउ फर्स्ट इज फॉर्मल। गुड मॉर्निंग, हाईटेक इंडस्ट्रीज एमली स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू? ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये क्या है, कस्टमर केयर के लिए कॉल लगाया गया है। ओके, फॉर एग्जांपल बच्चों हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं। ओके, या हम लोग बेटा जो सिम कार्ड यूज़ करते हैं तो हमारे घर में नेटवर्क नहीं आता है। ओके, सो वो टाइम पे हमको वो जो स्पीकर है सामने या हम जिससे बात करने वाले हैं, तो वो कन्वर्सेशन हमारा फॉर्मल होगा। ओके, तो वैसे यहाँ पे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है। ओके, तो एक इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। नाउ दिस इज़ हाईटेक इंडस्ट्रीज। ओके, एमिली स्पीकिंग, तो जो सामने वाला पर्सन है उन्होंने क्या बताया कि वो एमिली है, उनका नाम, हाउ मे आई हेल्प यू, वो कैसे आपकी मदद करे। गुड डे टू यू, आई एम कॉलिंग टू स्पीक विद मिस्टर जॉनसन। ओके, सो अदर पर्सन सेड गुड डे टू यू। ओके, आई एम कॉलिंग टू स्पीक विद मिस्टर जॉनसन, तो उन्होंने अपना पर्पज़ बताया कि उन्होंने कॉल क्यों किया है, तो वो मिस्टर जॉनसन से बात करना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड दैट मिस्टर जॉनसन इज इन अ मीटिंग ऑन मॉर्निंग, कैन आई आस्क हु इज़ कॉलिंग प्लीज़? ओके, तो उन्होंने क्या पूछा कि आई एम अफ्रेड दैट, मतलब क्या है, उनको बताने में थोड़ा दिक्कत हो रही है कि मिस्टर जॉनसन जो है वो एक मीटिंग में क्या है बेटा, बिजी है। कैन आई आस्क हु इज़ कॉलिंग प्लीज़? तो उन्होंने पूछा कि कौन उनसे बात करना चाहता है, हु इज़ दी अदर पर्सन? ओके, दिस इज़ मिस्टर विलियम्स, अ क्लाइंट विथ होम ही हैज़ बिन डीलिंग। ओके, तो हाईटेक इंडस्ट्री के एक क्लाइंट है जिनका नाम है मिस्टर विलियम। ओके, तो उनके साथ कौन बेटा बात कर रहा है, मिस्टर जॉन जो है, जॉनसन जो है, उनसे बात करते हैं या उनकी जो भी चीज़ें जो भी खरीदनी है या करनी है उनसे वो ही बात करते हैं। थैंक यू मिस्टर विलियम्स, वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज? ओके, अब क्या है बच्चों, मिस्टर जॉनसन से उनसे बात नहीं कर सकते, इसीलिए वो उनकी सेक्रेटरी है या एमिली है, उन्होंने क्या बोला कि आपने कॉल करने के लिए थैंक यू, आप क्या मिस्टर विलियम्स मिस्टर जॉनसन के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहोगे? ओके, लाइक दिस, नो थैंक यू, कुड यू प्लीज़ हैव हिम रिटर्न माई कॉल एट हिज अर्लियर कन्वीनियंस। तो मिस्टर विलियम्स ने क्या बोला कि आप उनको नहीं, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो आपस से वो उनको मैसेज दे, आप वो आए तो उनको यूँ बोल देना है कि आप जितना जल्दी हो सके उन्हें कॉल करें। ऑफकोर्स देट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम, वॉज देर एनी थिंग एल्स आई कुड हेल्प यू विथ सर? ओके, सो एमिली सैड ऑफकोर्स मैं आपका मैसेज उन तक पहुँचा दूँगी। ओके, वॉज देर एनी थिंग एल्स आई कुड हेल्प यू विथ, इसके अलावा मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ? दैट विल बी ऑल, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो मिस्टर विलियम्स ने क्या कहा, नहीं बस इतना ही, आप यह मैसेज उन तक पहुँचा देना। द प्लेजर इज ऑल माइन, गुड डे सर। ओके, नाउ सी, उन्होंने दोनों ने बात कर ली। ओके, लास्ट में एंड में उन्होंने क्या है, एक दूसरे को थैंक यू भी बोला। यही चीज़ बेटा हम लोग बच्चों जो है हमारी फैमिली के साथ बात करते हैं या उनसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो ये चीज़ें हम लोग नहीं बोलते। ओके, सो फॉर्मल कन्वर्सेशन में हमको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ओके, नाउ वी विल सी इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। हे जॉन, हे, हाउ इट्स गोइंग?
ओके सो एक फ्रेंड ने बेटा दूसरे फ्रेंड को कॉल किया है, जैसे आप लोग के भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आप लोग भी किसी को कॉल करते होंगे, लेकिन हम लोग क्या बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं. ओके सो नेक्स्ट टाइम यू विल ट्राई इट इन इंग्लिश. ओके हे हाउ इट्स गोइंग. ओके तो उसने क्या बोला कि कैसा चल रहा है. ग्रेट आई वॉज जस्ट कॉलिंग टू सी इफ यू वॉन्टेड टू मीट अप दिस वीकेंड. ओके सो उसने क्या बोला कि ग्रेट बहुत ही अच्छा क्या है आजकल चल रहा है, मैंने इसलिए कॉल किया था कि हम क्या इस वीकेंड पे, वीकेंड हम लोग के इसको बोलते हैं बच्चों जो सैटरडे और संडे होता है उसको वीकेंड बोला जाता है. ओके सो वीकेंड पे हम लोग मिल सकते हैं या आई'ड लव टू वेयर वर यू थिंकिंग. ओके तो सामने सेकंड फ्रेंड ने क्या बोला कि हाँ हमें तो मिलने को तैयार हूँ, कहाँ पर मिलना है. आई थॉट वी कुड गो टू दैट बार वी लाइक. तो उसने सेकंड पर्सन ने क्या बोला, फर्स्ट पर्सन ने सॉरी, कि हम लोग उस बार में जा सकते हैं जो हमको वहाँ पे पसंद है. ओके आई मीट यू देयर एट 8 PM ऑन फ्राइडे. ओके तो उसने रिप्लाई दिया कि हम लोग क्या है फ्राइडे के दिन मिलेंगे रात को 8 बजे. 8 PM मींस रात के 8 बजे. डिड यू नीड एनीथिंग एल्स व्हाइल आई गॉट यू ऑन द लाइन. ओके सो क्या तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत है जब हम ये बात कर रहे हैं तो. ओके नो नथिंग एल्स आई सी यू ऑन फ्राइडे. तो फर्स्ट पर्सन ने रिप्लाई दिया नहीं उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आई सी यू ऑन फ्राइडे, हम फ्राइडे को मिल लेंगे. कैच यू लेटर, गुड टू टॉक टू यू. ओके तो उसने क्या बोला कि उनका कन्वर्सेशन ख़त्म हो गया बच्चों यहाँ पे. उसने बोला कि हाँ अच्छा है हम फ्राइडे को मिलते हैं, लेट्स गो, गुड टू टॉक टू यू, तुमसे बात करके अच्छा लगा. एंड देन एट द एंड दे बोथ सेड बाय. ओके सो लाइक दिस वी हैव इनफॉर्मल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एंड फॉर्मल कन्वर्सेशन. ओके आई होप यू ऑल गेट दिस बेटर आइडिया. ओके आपको ये समझ में आ गया होगा. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल गो फर्दर. ओके टिल देन बच्चों अल्लाह हाफिज़.